खेल खेल में 4 वर्ष के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना देर शाम 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 1 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मामला सनहौला थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव का है। मृतक बच्चे की पहचान फाजिलपुर के रहने वाले बसंत कुमार के 4 वर्षीय पुत्र ऋतुराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चा देर शाम गांव के ही कुछ बच्चों के साथ घर के पास ही मंदिर के समीप बने तालाब के निकट आपस में खेल रहे थे। इस दौरान वह किसी तरह तालाब में जा गिरा। इसके बाद घर वालों ने उसे खोजना शुरू कर दिया। पता चला कि बच्चा तालाब में डूब गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे की खोजबीन की गई और कुछ घंटे बाद तालाब से बच्चे का शव को बाहर निकाला गया और स्थानीय थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। वहीं जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक बच्चा अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटा है और मृतक बच्चे का पिता खेती गृहस्थी का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राधा फील्ड पे खेलते खेलते कैसे पोखर में गया पता नहीं चला और गिर गया। उसके बाद तो डेटे हो गया, पते नहीं चला। क्या नाम था? ऋतु राज। कितना उम्र था? 4 साल। कौन गांव का मामला? फाजिलपुर सक्रामा का। कौन थाना क्षेत्र? सनौला थाना क्षेत्र है। कब की घटना है? कल शाम की 5:30 बजे के लगभग। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली थी? जब खोजने लगे नहीं मिला, उसके बाद तब ढूंढने लगे गांव के। फिर 4-10 आदमी आए, फिर पोखर को मैं खोजने लगे, तब मिला पोखर में। और बच्चा था, सब उस वक्त भाग गया ना। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पा घाट के समीप सोमवार की देर शाम ओवरलोड ट्रैक्टर ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दिया। इस दौरान सड़क पर बिजली का करंट प्रभावित तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुछ लोग आंशिक रूप से घायल हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे को आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चे की पहचान मुस्तफापुर निवासी फिदा हुसैन के पुत्र आयान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुस्तफापुर के समीप नाला निर्माण को लेकर सड़क किनारे गड्ढा किया गया था। इसी दौरान कुप्पा घाट की ओर जा रही ट्रैक्टर ने बिजली पोल में टक्कर मार दिया। वहीं घटना के बाद बिजली का करंट प्रभावित केबल पोल सही टूटकर जमीन पर गिर गया, जिसमें सड़कों पर आवागमन कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। देखिए, शाम का समय था, बच्चा मेरा वहाँ पे रोड के पास में मेरा दुकान है, वहीं पे खेल रहा था और मेरा कुछ बच्चा जो है पानी वहाँ पे भर रहा था। रोड के उस किनारे नाला कटा हुआ था, बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नाला कटा हुआ था, वहीं पे बच्चा सब वहाँ से पानी भर करके लेके आ रहा था। उसी दौरान में एक ट्रैक्टर हैवी लोडेड ट्रैक्टर लेकर के आया, जबकि नाला कटा हुआ था, रास्ता नहीं था जाने का, जबरदस्ती इधर से ट्रैक्टर को घुसाया और बिजली के तार में फंस जाने के कारण फिर भी वो झटका मारते मारते 2-4 बार 6 बार झटका मारा, बस वो खम्भा ले गिर गया बिजली का है, जिसमें 11 आ जा तार। वहाँ पे बहुत सारा बच्चा स्कूल से पढ़ करके सर आ रहा था, वो सभी बच्चा उसका हादसे का शिकार होते होते बचा। मेरे लड़के का नाम है मोहम्मद अयान। आपका? भागलपुर के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर महेशी पंचायत के पीपल गाछ NH-80 के किनारे एक दुकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की है। इस छापेमारी में पुलिस ने दुकान संचालक मिथिलेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी थाना अध्यक्ष बबलू पंडित ने बताया कि महेशी गांव में एक पशु आहार की दुकान के मालिक संतोष कुमार के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुकान से 4 पेटी बियर और 12 पेटी रॉयल स्टेट ब्रांड की शराब बरामद की गई है। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन सोमवार को भागलपुर के उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, मुख्य दंडाधिकारी गरिमा लोहिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 317 विद्यालय के कुल 5,135 बालक एवं बालिका ने निबंधन कराया है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने कहा कि यह खेल प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलने वाली है। इस खेल प्रतियोगिता में एथलीट कबड्डी, खो खो सहित कई खेल बालक और बालिकाओं के द्वारा खेला जाएगा। जिला विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024 का हम लोगों के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है और मूल रूप से इसमें जितने भी 375 स्कूल की टीम से हमारे 375 स्कूल टीम से पार्ट ले रहे हैं। 5,000 से ज्यादा अधिक बच्चे, 5,500 के अराउंड हमारे स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। तो अपने आप में भाई ये बहुत ही बृहद स्तर है इस कार्य प्रतियोगिता का, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इतने ज्यादा स्कूल की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। और ये भागलपुर के सेंट्रल कंपाउंड में आयोजित है। 35 कैमराओं से लेकर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन इसमें है। 20 के अराउंड कॉम्पिटिशन है जिसमें सारे आपके जिमनास्ट, क्रिकेट, बास्केटबॉल सभी इंक्लूडेड है। इससे हम लोग यही आशा करते हैं कि जितने भी बच्चे उनमें खेल भावना की कॉम्पिटिशन की अभी एक एप्टीट्यूड डेवलप हो, ताकि वो हम लोगों का नाम रोशन कर सके आगे और भी खेले। और इससे भागलपुर और बिहार और ओवरऑल हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि नेशन को ये लोग रिप्रेजेंट करें, ताकि भागलपुर इस पर्टिकुलर फील्ड में और आगे जा सके। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित मध्य विद्यालय मिर्जापुर में 5,46,600 रुपये की लागत से बने नए भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने नारियल फोड़ कर किया। इस अवसर पर NDA कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक ललित नारायण मंडल ने 3 महिलाओं और 1 युवक को जदयू की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं सदस्यता ग्रहण करने वालों में नवादा गाँव की विजेता दीपलक्ष्मी, पुनीता कुमारी, सविता देवी और शिवनंदनपुर के बिहारी कुमार शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री योजना के तहत विधायक फंड से इस नए भवन का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने ताली बजाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में विजय सिंह, सदानंद सिंह, पवन केसान, संजय चौधरी, पप्पू पांडे, नीरज कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। विधायक निधि से इसका निर्माण हुआ, 22-23 ईयर का है और आज हमने उद्घाटन किया है और इनके द्वारा बनाया गया था। अब काम बहुत संतोषप्रद है, हम खुश हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको बाद में हम लोग करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित मुरारका महाविद्यालय में नारायणी देवी सलारपुरिया मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुरारका महाविद्यालय और सबौर महाविद्यालय के बीच खेला गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के खेल मंत्री सुरेश मेहता, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कुलपति जवाहरलाल, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह और सांसद प्रतिनिधि पवन केसान मौजूद थे। मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुरेश मेहता ने मीडिया को बताया कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचायत और शहरों में स्टेडियम का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। जो स्टेडियम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। कुलपति जवाहरलाल ने विधायक की मांग पर शिक्षकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया और मुरारका महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई की शुरुआत पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि कॉलेज को बी ग्रेड मिला है और छात्रों के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई के लिए 100 नई किताबें देने की भी घोषणा की गई।
संपूर्ण भारतवर्ष में विगत 4 वर्षों से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन गरीब असहाय और लाचार लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ है। इस संगठन के पदाधिकारियों ने बिहार में भी एक मसीहा की भूमिका निभाई है। चाहे वह वृद्ध लोगों को सहारा देना हो, बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करना हो या चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन करना हो, इन कार्यों को देखते हुए संगठन के रोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार को पदोन्नति मिली है। उन्हें मुख्य कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय सलाहकार समिति महासचिव का पद सौंपा गया है। इस अवसर पर मानवाधिकार संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास टोल प्लाजा के समीप चिकित्सा सेवा आश्रम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।